हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो पर लेके आई हूँ चिकन। तो आज हम बनाएंगे चिकन कड़ी, तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं चिकन धो के रख चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने चिकन धो ली है अच्छे से, ठीक से, अच्छे तरीके से मैंने धो ली है। तो यहाँ मैं अभी चिकन स्पाइसी कड़ी बनाने वाली हूँ, तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अभी मसाला डालूँगी। पहले डाल रही हूँ हल्दी 2 चम्मच, नमक 2 चम्मच, यहाँ तेज़पत्ता डाल रही हूँ, ढेर सारे नहीं, 2-3, और यहाँ मैंने कटा हुआ प्याज डाल दी है। ये मैं सब डाल रही हूँ, कटा हुआ प्याज, और यहाँ मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और यह जीरा पेस्ट करा हुआ मैंने पहले रखी थी। अभी मिर्ची डाल रही हूँ 3 चम्मच। हमें थोड़ा तीखा पसंद है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। और ये पेस्ट करा हुआ लहसुन और प्याज, अदरक मैंने सब एक साथ पेस्ट कर दी थी पहले ही। तो इन सब को अभी मैं हाथों से मिक्स करने वाली हूँ, ठीक से हाथों से मिक्स करूँगी। और एक चीज़ बाकी रह गया है, अभी इंजन ऑयल डालूँगी। ये देखिए, सरसों का तेल, तो हाथ से अभी मैं ठीक से मिक्स करूँगी। ये देखिए, हाथों से मिक्स करने से स्वाद बढ़ता है। तो अभी मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ, तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहेगा। ये देखिए, और फिर दूसरी तरफ मेरे भतानी जी ने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पर, तो वो अभी आलू फ्राई कर रही है। चलिए नेक्स्ट इस पर चलते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है, और यहाँ मेरे जेठानी जी ने कड़ा आलू फ्राई कर रही है। ये देखिए, आधा फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ हम आलू फ्राई करके चिकन पे डालने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद आलू फ्राई हो जाएगी, तो हम इसको गमले पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हो चुकी है आलू फ्राई। तो अभी मैं गमले पे निकालने वाली हूँ। ये देखिए, मैं गमले पे निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने गमले पे रख दी है आलू फ्राई करके। तो अभी मैं तेल डाल रही हूँ कढ़ाई पे चिकन चढ़ाने के लिए। तो गरम तेल गरम हो जाने के बाद मैं इस पर थोड़ा मिर्ची डालूँगी, सूखा मिर्ची, और नेक्स्ट पे डालूँगी यह मिर्ची लाल होने के बाद। अभी थोड़ा कटा हुआ प्याज और जीरा डालूँगी। ये देखिए, मैं डाल रही हूँ। ये सब लाल हो जाने के बाद अभी मैं चिकन डाल रही हूँ जो मैंने मिक्स करके रखी थी। ये देखिए, मैं अभी कढ़ाई पे डालूँगी। फ्रेंड्स, आज मेरी चिकन कड़ी बहुत ही टेस्टी होने वाली है, क्योंकि मैं ड्राई चिकन स्पाइसी बनाने वाली हूँ।
और हमारे घर में बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए जो वो गमले पे लगा हुआ था मसाला, वो पानी डाल के मैं इस पर डाल दिया मैंने, तो अभी मैं कवर करके दे रही हूँ। तो अभी हम देखेंगे कितना पक चुका है। फ्रेंड्स देखने में तो टेस्टी लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा। तो यहाँ जो मैंने आलू फ्राई करके रखी थी वो अभी मैं डाल चुकी हूँ यहाँ कढ़ाई पे। तो यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी टेस्टी लग रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। मेरे भतीजे दोनों बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं खाने के लिए। तो यहाँ मेरा चिकन हो गया है रेडी, अभी मैं गमले पे निकालूंगी। ये देखिए मैं गमले पे निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ मेरा ड्राई स्पाइसी चिकन करी हो गया है तैयार, अभी मैं सबको परोसूंगी। सबसे पहले मैं अपने भतीजे को दूंगी खाने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ही पसंद है चिकन। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं अपने भतीजों को दूंगी खाने के लिए, तो अभी बनी रहेगी। ये देखिए मैं सब निकाल चुकी हूँ कढ़ाई से गमले पे। ये देखिए मेरा चिकन हो गया तैयार रेडी पूरा, अभी मैं कटोरा लेके आई हूँ। यहाँ एक पीस निकाल के मैं अपने भतीजे को दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अभी अपने भतीजे को टेस्ट करवाऊंगी। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। आज के लिए बाय। अभी हम गरम गरम खाना परोसेंगे चिकन करी के साथ। उफ़ स्पाइसी चिकन करी, मुंह में पानी आ गया यार।